हेलो फ्रेंड, मैं अमृता सिंह। ये मेरी पहली वीडियो है। मैं आप लोगों को डॉल्फिन की कटिंग बताऊंगी, उसकी मेजरमेंट करके कि कैसे आप लोग घर बैठे आराम से इसको अच्छे से बना सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसमें ज़रूरत है हमें कैंची, पेन, इंच टेप और किसी भी कलर का चार्ट पेपर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले मैं इसकी फर्स्ट पार्ट लूँगी और इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसकी मेजरमेंट बताऊंगी। मेरी वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसकी आप लोगों को, चलिए शुरू करते हैं इसकी मेजरमेंट कैसे बनाना है हमें इसको। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये जो इसका फेस का मुंह है इसे देखेंगे। ये दोनों के बीच की गैपिंग हमारी 1.5 इंच है, तो हम एक बिंदु यहाँ लगाएंगे और एक बिंदी यहाँ लगाएंगे और ये देखेंगे। फिर ये हमारा 1.5 इंच पे है, इधर से भी 1.5 इंच और इधर से भी 1.5 इंच, और फिर हम इसको यू शेप में करते हुए इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारी ऐसे करने से फिश की मुंह बन जाएगी, माउथ। फिर हम इस बिंदी से लेकर इस बिंदी तक जो हमारा मेजरमेंट है वो 11 इंच है, हम एक यहाँ बिंदी लगा देंगे। और फिर इसी वाले मेजरमेंट से हम ये देखेंगे, इसके नीचे वाली 10.5 है, एक यहाँ बिंदी लगा देंगे। इन दोनों के बीच की गैपिंग हमारी 1 इंच से थोड़ा सा कम है, इन दोनों को मिलाते हुए थोड़ा सा अंदर साइड गोल लेते हुए 2 बना देना है ऐसे। फिर हमें यहाँ से देखेंगे ये थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, ये 1.5 इंच पे एक बिंदी लगा के इन दोनों को ऐसे मैच कर देना है। इस बिंदी से देखना है ये हमारा ऊपर का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे एक बिंदी दे देंगे। थोड़ा देखिए टेढ़ा है, टेढ़ा रखा हुआ है इंची टेप, तो यहाँ एक बिंदी देते हुए ये देखिए यहाँ से ऐसे रखते हैं, तो इधर से हमारा 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ गोलाई लेते हुए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बिंदी तक मिला देना है। तो ये बिंदी देख लीजिए, इधर का हमारा साइड कंप्लीट हो गया। अब इस साइड चलते हैं, ये देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, यहाँ एक बिंदी लगा देंगे, यहाँ लगा दीजिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। सीधा रखे हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ 6 इंच, और इस बिंदी से हमारा 1 इंच है, मतलब कि 1 इंच ऊपर की तरफ गोलाई लेके हमें इसको इस बिंदी को लेकर इस बिंदी से लेकर ले तक मिला देना है। ऊपर से गोलाई लेते हुए 1 इंच तक इसको ऐसे लोग मिला देंगे। फिर ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट पहले से ही किया था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमें यहाँ भी ऊपर की तरफ गुलाई लेते हुए 1 इंच और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैच कर देना है। देन इसके बाद यहाँ तक तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से 3 इंच पे जाएंगे, यहाँ 3 इंच है और यहाँ 2 इंच, ये इधर से 2 इंच पहले और फिर 3 इंच, यहाँ हम लोग 2 बिंदु दे देंगे। 2 बिंदु देने के बाद इस बिंदु से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा नीचे लेते हुए ऐसे मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर इसको करना है, ऐसे इसको हम लोग मिला देंगे। ये हमारी इस बिंदु से देखिए आप, यहाँ 3.5 इंच की पूरी बीच में की गैपिंग है,
3.5 इंच। अब इस बिंदी तक हमारा पूरा स्टार 6 इंच है। अब थोड़ा सा इसी हाफ इंच थोड़ा अंदर लेते हुए इस बिंदी को यहाँ तक लेते हुए मिला देना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको मिला देना है। अब ये हमारा फिश का जो फर्स्ट पार्ट है वो रेडी हो गया। अब हम इस पे लिख लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे फिश की आई रहेगी, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। फिर लिख लेते हैं ये फिश का जो है अपर पार्ट है। अपर बॉडी कट 2 पीस, एक पीस हमारा रिवर्स करके कटेगा। और यहाँ पे हमारा फिन लगेगा ऊपर, हम यहाँ डॉट बिंदु दे देते हैं। और एक यहाँ पे जो मैं इसको चप्पर पे कटिंग करूंगी तो उस समय इसको सिलने को बताऊंगी कैसे यहाँ पे बिंदी, ताकि यहाँ पे ऊपर का फिन लगेगा या नीचे का फिन लगेगा। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, ये जो टोटल पार्ट है इसका वो 4 पार्ट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, जो ये फिश का बॉडी का निचला हिस्सा है। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको मेजरमेंट करके बताऊंगी। अब हम इसकी टोटल लंबाई देखेंगे, जो इसकी लंबाई है वो 11.5 इंच की है। तो हम एक यहाँ बिंदी दे देंगे और एक यहाँ बिंदी दे देंगे, टोटल 11 इंच की है, सॉरी 11.5 इंच की है। यहाँ की जो हमारी लंबाई है 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 2 बिंदी लेकर इसको मिला देंगे, एक रेखा खींच लेंगे सीधा। इसको खींचने के बाद हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे, 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 इंच से थोड़ा कम, इधर भी उतना ही और इधर भी उतना ही। इसको बिंदी 2 दे देंगे, इधर बिंदी 1, इधर बिंदी, और यहाँ को थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे करके हमें ऐसे कर लेना है। नीचे वाले को भी वैसे ही, ये हमारा इसका मुंह बन जाएगा। अब इसको हम देखेंगे, इस बिंदी से लेकर थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे, देख सकते हैं आप लोग इसमें क्लियर आ रहा है, 3 इंच तक। यहाँ पे इसको 1/2 इंच के ऊपर की तरह गोलाई लेते हुए इसको ऐसे हम लोग इसको मिला देंगे 3 इंच को, यहाँ तक इस बिंदी तक लेकर। फिर वैसे ही सेम प्रोसेस नीचे करना है, देख सकते हैं आप 3 इंच, और फिर इस बिंदी से लेकर हल्का नीचे तरफ गोलाई करते हुए इस बिंदी तक मिला देंगे। अब जो हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लाइन खींच रखा है, इस लाइन को हमें इस लाइन से लेकर सीधी लाइन खींच कर इसको मिला देंगे, और इस लाइन से लेकर इस वाले लाइन तक मिला देंगे। ये हमारा टोटल जो मेजरमेंट है 7.5 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देना है। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। बीच में हम एक इसमें लाइन खींच देंगे, ये फीस का सेकंड पार्ट है, फिर लिख देंगे कट 1 पीस अंडर बॉडी, मछली के नीचे लगेगा ये।
यहाँ पे हम मछली का जो तेल होता है वो ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और दो पार्ट है हमारा, मैं इसको भी बता देती हूँ। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। सॉरी, थोड़ी मेरे स्केच में दिक्कत आ गई थी। ये जो है ये मछली का फिन है, ये कट 6 पीस 3 रिवर्स करेंगे इसको। जब मैं कटिंग करके बताऊंगी तो बताऊंगी इसको कैसे रिवर्स करके बनाना है। इसको हमें फेल्ट पे काटना है। इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमारा 4 इंच से थोड़ा सा कम है, तो हम एक यहाँ बिंदी लगा देंगे और एक यहाँ बिंदी लगा देंगे और एकदम बीच में की लंबाई हमारा 1.5 इंच है, तो एक ऊपर बिंदी और एक नीचे बिंदी, और इस वाले बिंदी को लेकर थोड़ा टेढ़ा करके इधर ऊपर से मिला देंगे इधर वाले को इधर, और नीचे को वैसे ही हल्का गोलाई शेप लेते हुए इसको हमें मिला देना है। देख सकते हैं आप कैसे मैंने बनाया है इसको। हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आ गया मछली का टेल। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। से लिख लेंगे तेल कट 2 पीस 1 रिवर्स करके कट करेंगे। इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी जो ऊपर की लंबाई है 1.5 इंच है, एक यहाँ बिंदु करेंगे, बिंदी डालेंगे, एक यहाँ बिंदी, और दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद बीच का देखेंगे हम, एग्जैक्टली बीच से रखेंगे और देखेंगे लगभग 1.5 इंच है, यहाँ बिंदी कर लेंगे एक, और इधर से हम ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ एक बिंदी करते हुए इसको हल्का अंदर से लेके इसको ऐसे गोलाई में कर लेंगे, और इसको इधर गोलाई में करते हुए हम इसे मैच कर लेंगे इधर। इस वाले बिंदी से लेकर हमारा 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, एक यहाँ बिंदी कर लेंगे, और फिर हल्का इसको अंदर लेते हुए इसको गोलाई में करेंगे, और फिर इस वाले बिंदी से इसको गोलाई में लेते हुए मैच कर देंगे। जाके हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं उसमें आपको कोर पे काट कर बताऊंगी इसको कैसे बनाते हैं, कैसे सिला जाता है इसको। सो थैंक यू।